हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में, इसकी कट ऑफ क्या रहती है, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो आप कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। अभी आपके जो फिजिकल है वो अभी चल ही रहा है और कईयों का खत्म भी हो चुका है, तो वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके होंगे और बहुत से लोग अभी शुरू करने जा रहे होंगे। अब एक आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एक अच्छा स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ती है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो एक जगह ही रहे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल के लिए इकट्ठा करते हैं, नहीं, एग्जाम छोटा है लेकिन इसको टैकल कैसे करना है वो स्ट्रेटेजी आपको आनी चाहिए। तो वो हम अपने कोर्स में भी बताएंगे, जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी उसमें भी बताएंगे। अराउंड आपकी 15 to 20 टेस्ट सीरीज होंगी ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ते तो सारे ही हैं। ऐसा तो है नहीं कोई कि कांस्टेबल उसने फिजिकल दे दिया और आने वाले एग्जाम के लिए वो पढ़ाई नहीं करेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। पढ़ाई तो सभी करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेस्ट सीरीज। आप में क्या अंतर होगा और दूसरे में क्या अंतर होगा वो उस चीज से ही पता लगता है कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपके पास 60 मिनट्स हैं, हर एक मिनट कीमती है। इनकी बात भी हम करेंगे कि ये टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे होना चाहिए, क्योंकि जब आप 15 to 20 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है। अब ये तो बेसिक सी बात है कि आपको सिलेबस तो पता ही होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि हिंदी और इंग्लिश यहां से आपको 16 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 8 and 8, इंग्लिश से 8 और हिंदी से भी 8 आएंगे। जनरल नॉलेज से 16 क्वेश्चन आएंगे। अब ये वाला थोड़ा सा पोर्शन जो है, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन, कॉम्प्लिकेटेड सा है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? अब हिस्ट्री है इसमें, हिमाचल जीके है इसमें, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन इतने आ रहे हैं 16। अब जो घर बैठ के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, अच्छी बात है कर रहे हैं। अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी है कि यहां पर आपको ज्यादा फोकस नहीं देना है, जो बात कह रहा हूं उसको थोड़ा सा समझिए, नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि आप देखिए, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी, हिमाचल जीके कितना पढ़ेंगे आप, और हिमाचल जीके में से भी आपका जो पोर्शन आ रहा है वो हिस्ट्री में से नहीं आ रहा है। अब जो पहली बार एग्जाम दे रहा होगा उसके लिए लिखा है यहाँ कर हिमाचल जीके, अगर उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो हिस्ट्री में से तो क्वेश्चन आए हुए ही नहीं है, एक आधा कहीं आया हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? ज्योग्राफी से आ रहे हैं, हिमाचल की ज्योग्राफी से आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पासिस, रिवर्स, ज्योग्राफी से। तो वो आपको प्रिपेयर करना है। और हिंदी इंग्लिश की इसकी बात भी हम करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसकी कहाँ से करनी है। मैथ्स एंड साइंस, यहाँ से भी आपको 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से भी आपको 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब साइंस का देखिए आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीन चीजें हैं हो गई आपके पास। अब यहां से आपको आ रहे हैं सिर्फ 8 क्वेश्चन। जब आप अपनी प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं, आपने सोचा है कि मैं खुद से ही करूंगा या करूंगी, पहले घर में एक दिन पूरा निकालिए, 2 दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन लग जाए, ठीक है, 3 दिन आपको समझने में लग गए कि भैया इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न कैसे है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दी, किसने बोला कि ये बुक पढ़ लो, किसी ने कहा दूसरी बुक पढ़ लो, ये कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स आ गई हैं। अब तो अब आप सारी बुक्स तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और वो आप कैसे बनाएंगे वो इन 3 दिनों में आपको पता लग जाएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनसे देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उस चीज से आप फेमिलियर हो जाएंगे, वो आपको पता लग जाएगा। तो 3 दिन तो आप यही बनाइए बैठ करके घर आराम से, और जो हम अपने तरीके से करेंगे वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि हम कैसे इस सिलेबस को कवर करेंगे। फिर रहा आपका रीजनिंग, बेसिक से रीजनिंग आती है, बेसिक से मैथमेटिक्स आता है, लेकिन टाइम आपके पास कम है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो आपकी क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देख कर ही आप आंसर निकालें, ऐसा होना चाहिए। और आप, ऐसा नहीं है कि सारा मैथ्स आपको पढ़ना है, सारी रीजनिंग आपने पढ़नी है, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ने हैं और वहां से क्वेश्चन आना ही है। चलिए अब मैं बात करता हूं, जो हमारा बैच जो शुरू होने जा रहा है 1 दिसंबर से, उसका टाइम टेबल कैसा रहेगा, क्या क्या चीजें इसमें कवर होंगी।
जैसा आपका पैटर्न बना हुआ है उसी तरीके से ही ये टाइम टेबल बना हुआ है। 1 दिसंबर से जो आपकी क्लासेस शुरू होने जा रही है, 1 दिसंबर, 2 सेशन रहेंगे, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। ऑनलाइन क्लासेस होंगी और वो ऑनलाइन क्लासेस भी रिकॉर्डेड होंगी, आप उनको कभी भी देख सकते हैं। बाई चांस आपको कहीं काम आ गया है, आपने नहीं देख पाए उस वक्त, तो आप उसको रिकॉर्डेड क्लासेस बाद में देख सकते हैं, टेस्ट भी आप बाद में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से। अगर मैं बात करूं यहां पर मॉर्निंग के सेशन में, पहले 15 दिन हिमाचल जी के जो आपको दिख रहा है यहां पर, उसके बाद वाले जो 15 दिन है वहां पर हम हिंदी पढ़ेंगे। मॉर्निंग वाले सेशन में पहले 15 दिन हिमाचल जी के और फिर हिंदी। इवनिंग के सेशन में मैथमेटिक्स कितने दिन, 20 दिन चलेगी, और रीजनिंग 15 डेज इवनिंग वाले सेशन में। और जो टाइम होगा इवनिंग का वो हम डिसाइड कर लेंगे, वो जब आपका ग्रुप बनेगा वो हम वहां पर डिसाइड कर लेंगे। ऐसा ही ग्रुप सब इंस्ट्रक्टर का बना हुआ है जिसमें अभी तक अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट्स हैं, उनका भी अलग से ग्रुप बना हुआ है, आप लोगों का भी अलग से ग्रुप बनेगा। इस बीच वाले पोर्शन में आपको रिविजन करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। देखिए टाइम आपके पास कम है, हम यही मान के चले हुए हैं कि आपके पास 3 महीने तो होंगे ही, क्योंकि ऐसा तो है अभी तो ग्राउंड चले हुए हैं। अब जनवरी में तो कोई एग्जाम होगा नहीं क्योंकि बर्फबारी होने जा रही है, हो जाती है उस वक्त तक, फेब में भी नहीं होगा, तो हम मार्च तक मान के चलें कि मार्च तक आपके जो एग्जाम है वो हो जाएगा। फिर से हम आते हैं मॉर्निंग वाले सेशन पर जनवरी में, इस बीच में आपके टेस्ट भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है वीकली टेस्ट हो रहे हैं आपके। दिसंबर में अगर वीकली टेस्ट में देखूं तो 4 आपके टेस्ट सीरीज ही हो रही है, वो आपकी टेस्ट सीरीज हो रही है। पहले हमने इंपॉर्टेंट पोर्शन करना है, इंपॉर्टेंट किस तरीके से, देखिए हिमाचल जी के इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, साइंस और हिस्ट्री हम बाद में कर रहे हैं, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इवनिंग वाले सेशन में जनवरी में, मॉर्निंग वाले सेशन में साइंस एंड हिस्ट्री जनवरी में 15 डेज का अप कर लीजिए, यहां पर 15 to 20 डेज लगेंगे। यानी ये मान के चलिए आपकी एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन लग रहे हैं, 15 से 20 दिन लग रहे हैं, और इन 15 से 20 दिनों के बीच में आपके टेस्ट भी हो रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्टिंग से आपकी चलेगी, क्योंकि सिलेबस हो सकता है कि मार्च में आपका डायरेक्टली, मान लीजिए स्टार्टिंग ऑफ मार्च में आपका पेपर हो जाता है और हम वेट करते रहे कि भाई हम मार्च में टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, टेस्ट सीरीज आपकी पहले ही शुरू हो जाएगी, जो रेगुलर टेस्ट है वो भी आपके शुरू हो जाएंगे। इन 3 महीनों में आप ऐसा रखिए, अगर आपने टेस्ट को क्वालिफाई करना ही है तब मैं ये कह रहा हूं, उनके लिए है ये कि टेस्ट निकालना ही भाई किसी भी हालत में निकालना है, तो 3 महीने ऐसा कीजिए, घर वालों को बोल दीजिए कि हमें 3 महीने का वक्त दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोल सकता कि आपको मैं 100% गारंटी दूं, भैया आपका तो 100% निकलेगा, ये तो कोई भी नहीं बोल सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डेडिकेशन उस एग्जाम के लिए कैसी है, आप कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितनी डेडिकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनको बोल दीजिए कि हमें इन 3 महीनों में थोड़ा सा डिस्टर्ब मत कीजिए, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और होप कि आपका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा ही होगा। और फेब की बात रही तो मॉर्निंग में ज्योग्राफी और पॉलिटी, और इवनिंग में यहाँ पर शायद गलत लिख दिया है, और यहाँ पर होगा करंट अफेयर, हिमाचल और नेशनल लेवल का करंट अफेयर इवनिंग में, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी आपके करंट अफेयर के टेस्ट होते रहेंगे, लेकिन इवनिंग में ऐसा है कि आपका थोड़ा सा शेड्यूल बन चुका होगा तब तक कि हमें शाम को भी क्लास लगानी है, तो आपका करंट अफेयर उस टाइम चलता रहेगा। तो ये रहेगा आपका 3 महीने का शेड्यूल। इसमें मैंने कहा तो पहले भी कहा कि आपको 15 टू 20 टेस्ट सीरीज होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग जो माइंडसेट है वो यहां से आपका बन जाएगा, क्योंकि आपके 60 मिनट है, 60 मिनट में 1 मिनट मैटर कर रहा है, जो मैंने पहले भी कहा था। और इसकी आपको पीडीएफ निकालनी है, बकायदा पीडीएफ। वैसे आप टेस्ट दे सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन में दे सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप एप्लीकेशन, लेकिन आपको करना क्या है, उसकी प्रिंटआउट निकलवाना है, 1-2 रुपए लग जाएंगे आपके, 5 रुपए लगेंगे ज्यादा, प्रिंटआउट निकलवा लिया, फिर घर बैठकर उसी टाइम में
जिस टाइम आपका कांस्टेबल का होगा, मान लीजिए आपका 10 से 12 11 बजे तक होगा, फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूँ टाइम 10 to 11 AM, तो आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया अपनी टेस्ट सीरीज का, 10 से 11 बजे बैठ जाइए, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, और यही चीज आपको हेल्प करेगी एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो इसकी बात हमने कर ली अभी कि आपकी टेस्ट सीरीज होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही तो आपके होंगे ही। खैर ये आपको पता ही होगा, नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ था कि फॉर एस सी एंड एस टी कैंडिडेट्स 40%, फॉर ऑल अदर कैटेगरीज 50% होने चाहिए। आपके पास 80 मार्क्स है। अब मैं कट ऑफ की बात कर रहा था। अब कट ऑफ जो इसमें जाती है, आपको पता ही होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाती है, अलग अलग जाती है, वो कुल्लू की अलग जा रही है, शिमला की अलग जा रही है, कांगड़ा की अलग जा रही है, इस तरीके से। तो जहां के आप हैं वहां का आप प्रेस्टीज का कट ऑफ का पता कीजिए कि वहां पर कट ऑफ क्या रही है। मेनली जो कट ऑफ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो रहती है अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 55 to 60। इसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, ये 65 भी जा सकता है, ये आप ऐसा रखिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, 60 to 65, तब ऐसा कि भैया हमारा हो गया है, चिंता करने की बात नहीं है ना। अगर 55 में है कहीं, 54 है, तो फिर ऐसा लगता है कि हो जाए, क्या पता कट ऑफ इतने चले जाए। आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 60 से अबव ही होना चाहिए, तब आपका श्योर है भैया हो जाएगा। अगर बात करूं मैं कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज कम भी जाती है, 52 के आसपास, 54 के आसपास इतनी जाती है कट ऑफ, सबसे कम बता रहा हूं मैं। हाईएस्ट तो आपके 65 हैं, 66 हैं, जो हाईएस्ट स्कोर हैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन यहां तक अगर आपका होता है 52 या 54 के आसपास, तो आपका आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए इन हो जाते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन आपका 15 मार्क्स का है, जो आपको पता ही है, वो भी नोटिफिकेशन में बताया गया है। अब जो कोई सीरियस होंगे, उन्होंने नोटिफिकेशन पहले पढ़ी होगी अच्छे से, नहीं भी पढ़ी होगी तो इससे ऊपर कई वीडियोस बनी हुई हैं, हिमाचल में अच्छी वीडियोस हैं, वैसे कुछ चैनल हैं जो अच्छे हैं, तो वहां पर अच्छे तरीके से बताया गया है नोटिफिकेशन के बारे में, जो 15 नंबर है आपको किस तरीके से लगेंगे। अब इसके लिए बुक्स हम क्या फॉलो करें, क्योंकि कोई बड़ा एग्जाम तो है नहीं है, जैसे आपको कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़े, एनसीईआरटी पढ़नी पड़े, उस तरीके की अप्रोच में नहीं जाना है, छोटा एग्जाम है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए इसके, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, एक तो आपको ये चाहिए, क्योंकि अगर आपको जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही आ रहा है उसमें, उसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उतना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, इसलिए आपको पढ़ना तो सारा पड़ेगा। अगर मैं जीके की बात करूं, तो पहले जीके की बात करते हैं, तो यहां पर आपको कंसेप्ट का समझा होना चाहिए कि आपने आखिरकार पढ़ा तो क्या पढ़ा, हिस्ट्री में क्या पढ़ा, पॉलिटी में क्या पढ़ा, ज्योग्राफी में क्या पढ़ा, तो बेसिक सा कंसेप्ट आपको चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। यही कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए मैथ्स और रीजनिंग में भी, वो आप किसी किसी से भी कर सकते हैं, बैंकिंग की कोई बुक्स आती हैं उससे आप कर सकते हैं, कंसेप्ट आपके पूरे होने चाहिए। जो आप पढ़ते हैं ना कि दूसरी दूसरी बुक से, कि भैया कॉन्स्टेबल के लिए सिर्फ यही बुक है और इसी से निकला एग्जाम, कुछ नहीं है ऐसा। जिस बुक से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, फिर उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखिए कि वहां पर वो कंसेप्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, अगर लग रहे हैं तो बुक अच्छी है, पढ़िए वहां से, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए। इंग्लिश के लिए कोई ग्रामर, कोई एक ग्रामर, वहां से भी कंसेप्ट क्लियर करना है। हिंदी, हिंदी के लिए आप पढ़ सकते हैं, एचजी पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी के लिए, उसको पढ़ सकते हैं, आयत की आती है हिंदी के लिए, ये बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको उस कंसेप्ट के बारे में समझ होनी चाहिए,
क्योंकि क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस हैं और 60 मिनट में ये करने हैं, तो हड़बड़ाहट हो जाती है, नर्वस हो जाता है इंसान, क्योंकि आप करंट कैसे नहीं आ रहा है तो बहुत नर्वस, तो वो नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। एक अच्छे माहौल में रहिए, कंपटीशन के माहौल में रहिए, ताकि आपको जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आती रहे, नेगेटिव चीजों से दूर रहें। 2-3 महीनों में जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है, जो फिजिकल हो गया है, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए। ये समझिए कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है और किसी भी हालत में करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ग्राउंड आपने निकाल दिया है, बस वो डेडिकेशन आप में होनी चाहिए आप, और वो इन 2-3 महीने में कर लीजिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी वेबसाइट की, वहां पर आपको कैसे ही इसको परचेज कर सकते हैं। एक बार फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली दिक्कतें सबको होती हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट फीस पे कर सकते हैं। थोड़ी सी झलक मैं आपको बताता हूँ, जो वेबसाइट है वहां पर आपका जो कोर्स है वो कैसे शो होगा। कुछ इस तरीके से आपको वेबसाइट शो होगी, आप explorer academy sp.com करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको नायब तहसीलदार का दिख रहा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर का दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल का दिख रहा है। ये कोर्स हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल का अब शुरू होने जा रहा है, जिसका जो प्राइस है 4500 आपको दिख रहा है, इंस्टॉलमेंट में फीस है 1500 1500 1500, 3 इंस्टॉलमेंट, 3 महीने का मैंने कोर्स बताया आपको। अभी डेमो वीडियो अभी तक यहाँ पर नहीं है, ये ऐसे ही वीडियो डाली हुई है, क्योंकि कोर्स अभी शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर कोर्स के बारे में, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको वीडियोस दिख के आ रहा है, फिर आपको टेस्ट दिख के आ रहा है, फिर आपको स्टडी मटेरियल आ रहा है। वीडियोस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर वीडियोस आ रही है, ये स्टार्टिंग में आपको दिख रही है, यहाँ पर देखिए डेमो वीडियोस, हिमाचल जीके की वीडियोस, कुछ डेमो पड़ी हुई है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, और हिंदी की वीडियो है, जो आपको डेमो के रूप में है। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, वो 133 लेक्चर हैं, यहाँ पर 5 डेमो 133, यानी कि 138 वीडियो यहाँ पर हैं, अभी इंग्लिश की क्लासेस यहाँ पर अपलोड होने को हैं। इसी तरीके से कांस्टेबल का कोर्स भी होगा, यहाँ पर आपको वीडियोस सारी की सारी शो होंगी, जो रिकॉर्डेड होंगी, लाइव आपने अटेंड कर ली, फिर वो रिकॉर्डेड भी यहाँ पर होंगी। उसके बाद आप टेस्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट दिख रहे हैं कुछ, फिर आपको पेड टेस्ट दिख रहे हैं। जब आपने एक बार कोर्स खरीद लिया तो पेड टेस्ट आप दे सकते हैं, इसमें देखिए 35 पेड टेस्ट पड़े हुए हैं, अभी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। उसके अलावा आप स्टडी मटेरियल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी क्लास की पीडीएफ है, जितनी भी पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे यहाँ पर डेमो क्लास के कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, तो डेमो नोट्स आपको दिख रहे हैं, देखिए डेमो क्लास नोट्स, हिस्ट्री क्लास नोट्स, हिमाचल जी के नोट्स फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए। अब टेस्ट में एक खास चीज ये है कि आप टेस्ट को हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, खासकर उनको दिक्कत आती है, तो वो हिंदी में अपनी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक हिमाचल जितने भी नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये कोर्स शुरू होने के बाद ही होगा। इस कोर्स को जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है वो बता सकता है, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब चीजें हैं वहां पर, कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके लिए अलग से वहां पर ग्रुप होगा। डेमो क्लासेस प्रॉपर लगाइए, उसके बाद ही आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।